हेलो दोस्तों, मैं अविनाश एक बार फिर आप सबका फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सर के चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी को एक क्रम से पढ़ा जा रहा था, उसी क्रम में आज हम बात करेंगे स्वर संधि के अंतर्गत चौथी टॉपिक जिसका नाम है यण संधि। बात करेंगे कि यण संधि कौन होते हैं, उनकी पहचान किस प्रकार करते हैं और उनका संधि विच्छेद किस प्रकार से करते हैं, उन्हीं सबको हम एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यण संधि की पहचान क्या होती है। यण संधि का पहचान का सबसे आसान तरीका होता है, याद इसमें आधतिया वर्ड जुड़े रहते हैं और य व और जो त्र होता है इन सब का अक्षर बीच में आपको मिलेंगे। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल देख सकते हैं, इन सब में य या का कॉन्सेप्ट मिल रहा है सारे में, इन सब में देखा जा रहा है तो व व का कॉन्सेप्ट मिल रहा है और नीचे की तीन चार नीचे की तीन की बात कर ले तो आपके त्र की मात्रा मिल रही है। इससे हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें या तो य का कॉन्सेप्ट होगा या तो व का कॉन्सेप्ट होगा या तो तरह का कॉन्सेप्ट होगा। साथ साथ में एक बात और ध्यान रखेंगे किसमें आधा या तिया वर्ड जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले इनके सूत्र की बात कर लेते हैं कि सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो जब छोटी या बड़ी ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा और उन दोनों को मिलने के बाद अगर यह हो जा रहा है तो वहां पे देखेंगे कि ये कौन सी संधि रहेगी, वो आपका यण संधि कहलाएगी। ई बड़ी के साथ कोई भी भिन्न स्वर, यानी ई बड़ी के बाद अगर जितने भी स्वर हैं उन सब में से कोई भी स्वर यहां पे आता है तो आपका क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, य। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरे की बात करेंगे, ऊ या बड़ा ऊ के साथ अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो ये जो ऊ और बड़ा ऊ है उसका वो किसमें बदल जाएगा, आपका व में बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका वो ऋषि वाला रहा है तो उसमें के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो जो ऋषि वाला रहा है वो ऋषि जो है वो किसमें बदल जाएगा, आधा र में बदल जाएगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं, एक एक एग्जांपल को पकड़ते हैं और हम आपको बताते हुए चलेंगे किस तरीके से इसको तोड़ा गया है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितना भी यण संधि से एग्जाम्पल हो सकते हैं या जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में कलेक्ट कर लिए हैं। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके ये यण संधि से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये दावा है मेरा। अब बात करते हैं कि इसके एग्जांपल की। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है अत्यधिक। अत्यधिक को जब हम देखिए इसके पहचान कैसे करेंगे, इसमें य जुड़ा है और साथ में आधा तिया वर्ड भी है तो इससे पहचान कर सकते हैं कौन सी संधि है, आपका यण संधि है। अब इसको जब तोड़ते हैं तो आपका बनेगा क्या, अति धन अधिक। एक बार देखिएगा उसके बाद बता देंगे आराम से। देख रहे हैं इसमें, देखिए ये जो है छोटी की मात्रा है और यहां पर छोटी ई बड़ी ई को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आ इसका, ये भिन्न स्वर जो आपको दिख रहा है इसमें छोटी की मात्रा है और यहाँ पे कोई भी भिन्न स्वर आए, जैसे ही कोई भी भिन्न स्वर आए हम बताएं इस छोटी जो छोटी की मात्रा है ये किसमें बन जाएगा, यही आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, य में। तो आप देख सकते हैं ये जो त है वो आधा त बन गया और जो छोटी की मात्रा है वो किसमें बन गया, य में बन गया, फिर अधिक हो गया, यानी अरे अति प्लस अधिक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा अत्यधिक। ठीक, दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अत्याचार। सेम कंडीशन, अत्याचार को भी तोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या हो गया, अति प्लस आचार में तोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, अत्याचार। उसके बाद है उपर्युक्त है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको इसमें लोग गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि इसको विसर्ग संधि भी मानते हैं लेकिन एक्चुअली विसर्ग संधि नहीं है, आपका ये यण संधि का पार्ट है जिसको मेन फोकस करिएगा कि आपका यण संधि है। इसको तोड़ते कहते हैं ऊपरी प्लस हो जाएगा उक्त, बस ध्यान रखिएगा ऊपरी प्लस उक्त में तोड़ते हैं और जो उक्त भी होता है उसमें बड़ा ऊ की मात्रा नहीं रहती है, हमेशा छोटा ऊ रहता है तो ऊपरी प्लस उक्त में तोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपरी उक्त हो जाएगा। ठीक, अगले की बात करते हैं प्रत्युपकार है, प्रत्युपकार को सेम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार में तोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार। अगले बात करते हैं कि न्यून है, न्यून भी काफी आसान होता है, न्यून को तोड़ना है आप देख सकते हैं कि आधा तिया वर्ड ये है साथ में यह है, यानी इसका मतलब ये यण संधि है साथ में यह जुड़ रहा है तो यह का मतलब हमेशा किससे मिलेगा, ई से, तो हो जाएगा नी प्लस ऊन। ध्यान बस इसमें यह रखना है कि जो ऊन है उसमें बड़ा ऊ की मात्रा रहती है। ठीक, अगला देखते हैं प्रत्येक है, तो प्रत्येक को भी तोड़ने का आसान तरीका है प्रति प्लस
एक तोड़ देंगे आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। सेम चीज दिव्यागमन है तो इसको अब देखिए, इसको क्या ध्यान दीजिए, दिव्यागमन है तो इसमें देख रहे कि आधा तिया वर्ड व भी है तो और यह भी है, लेकिन ध्यान ये रखना आप यहां पहचान कर सकते हैं कि अगर यह रहेगा पूरा वर्ड तभी आपका वो होगा, मतलब तब तब आपका वो ई की मात्रा ई या बड़ा ई होगा, अगर वह पूरा होता है तो उ या बड़ा उ होता है। ध्यान रखिएगा एक चीज बस यहां पे नोटिस करिए, अगर यहां पे सपोज दैट अगर वह आपका पूरा होता तब तो हम ये इसके साथ जो देव के साथ जो भी लगता हम उ या बड़ा उ लगाते, लेकिन यहां पे देव देव में जो वह है वह आधा है इसलिए इसको मायने नहीं रखेंगे हम यह लेके चलिए, यह वाला जो यह है वो आपका किसमें टूटेगा यह में, तो यहां से जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा देवी प्लस आगमन, आपका क्या हो जाएगा दिव्यागमन। ठीक इत्यादि है, इत्यादि और यद्यपि दो आपके नीचे एग्जाम्पल लिखे हैं, दोनों एग्जाम्पल बार बार हर पेपर में ये दोनों क्वेश्चन बार बार क्या करते हैं रिपीट करते हैं, इसमें मैंने रेलवे लिख भी दिया है और ये भी क्वेश्चन क्या है काफी बार रिपीटेड है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इत्यादि है तो इत्यादि में तोड़ेंगे क्या इति प्लस आदि तोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे यद्यपि तो हो जाएगा यदि प्लस अपि, दोनों को ध्यान रखिएगा इति प्लस आदि और यद्यपि को यदि धन अपि इस तरीके से तोड़ देंगे और ये दोनों बता दिया इंपॉर्टेंट है इसलिए इन दोनों को ध्यान रखिएगा। साथ में आप बात करते हैं इधर कहां चुका, अब इसको देखते हैं, अब इसमें देखते हैं कैसे इसको मिलाएंगे। अब जैसे स्वच्छ है तब इसमें इस बार ध्यान रखिएगा कि जो वह है अब देख रहे हैं पूरा वह है, ध्यान रखिएगा कि जो वह है इस बार कैसा है पूरा वह है तो टूटेगा किसमें सु प्लस अच, सु प्लस अक्ष में तोड़ देंगे आपका क्या आ जाएगा स्वच्छ आ जाएगा। स्वच्छ के साथ ही स्वागत भी कर लेते हैं इसी साथ में क्योंकि वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे, फिर वही है तो जाएगा सु प्लस आगत आपका क्या हो जाएगा स्वागत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वह आपको पूरा दिख रहा है, जो भी यह पूरा दिखेगा तो जो टूटेगा मात्रा वो ई या बड़ी ई होगा, अगर वह दिखेगा पूरा तो वो जो मात्रा होगा उ या बड़ा होगा। ठीक अगली बात करते हैं, अब आएगा अन्वय, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये भी जान लीजिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है अन्वय, तो अन्वय को तोड़ेंगे तो जाएगा अनु प्लस है, ध्यान रखिएगा अन्वय को इसलिए अनु प्लस है क्योंकि आप में देख रहे हो वह जो है वो पूरा वर्ड है, पूरा वह होने का मतलब है कि जो टूटेगा या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, तो अनु जब भी सार्थक वर्ड निकलेगा तो अनु छोटा वर्ड निकलेगा और लास्ट में जो बच रहा है वो अय बच जाएगा तो अनु प्लस अय हो जाएगा। फिर अरे मध्वालय लिखा है इसको जब तोड़ेंगे तो मधु प्लस आलय, हमेशा एक चीज ये भी नोटिस करिएगा कि मधु में जो होता है हमेशा छोटा की मात्रा होती है इसलिए मधु प्लस आलय हो जाएगा मध्वालय। और अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की अन्वेषण लिखा, ये बार बार बहुत सारे ज्यादा एग्जाम में रिपीट किया है अन्वेषण, इसको तोड़ेंगे कहते हैं अनु प्लस एषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अन्वेषण पूछता है कि अन्वेषण कौन सा है तो अनु प्लस एषण में तोड़ देंगे। अनुमंती लिखा है तो हो जाएगा क्या अनु प्लस क्या हो जाएगा अंति, अनु प्लस अंति, और लिखा है मनमंत्र लिखा है इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा मनु प्लस अंतर। ठीक मनु ये देख रहा है पूरा वर्ड दिख रहा है तो इसका मतलब है जो ऊ की मात्रा लगेगी वो न में लगेगा हो जाएगा क्या मनु प्लस अंतर। ठीक है और पिताज्ञा लिखा है तो जब इसको तोड़ेंगे तो जाएगा पितृ प्लस आज्ञा और मात्र आज्ञा हो जाएगा मात्र प्लस आज्ञा, मातृ इच्छा लिखा है तो मातृ धन इच्छा, इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे में जिसमें ये है त्र है त्र हमेशा है या तो जो त में वो रहेगा ऋषि लगा रहेगा या ये तीनों देख रहे हैं त में ऋषि लगा है इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा ये वाला रूल फॉलो कर रहा है ऋषि प्लस कोई भिन्न स्वर आएगा तो वहां पे र बन जाएगा। ठीक इस तरीके से हो गया,
अब आपका बचा क्या है, पर्यावरण बचा है, ये आप जान सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण को हमेशा तोड़ते हैं कैसे, परि प्लस आवरण। आप इसकी जब डिफिनेशन पढ़ते हैं उस समय ही इसको तोड़ा जाता है कि परि प्लस आवरण में तोड़ा जाता है। देखते हैं कि परि मतलब चारों तरफ, आवरण का मतलब ढका हुआ, इस तरीके से क्या हो गया पर्यावरण बनता है। और पर्यावरण में आप देख सकते हैं ई की मात्रा लगी है, ई की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा लगी है, उसके साथ कोई भी भिन्न स्वर आए, यानी ई की मात्रा प्लस कोई भिन्न स्वर, ई का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे पर्यावरण। ठीक। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। और फिर व्यवहार है तो हो जाएगा वी प्लस हो जाएगा अवहार। ये भी काफी ज्यादा बार पूछ चुका है, इसमें गलती यही अवहार में लगाने में लोग गलती करते हैं, वी तो निकाल लेते लेकिन अवहार नहीं लगा पाते। इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि व्यवहार भी काफी इंपॉर्टेंट है। और पर्याप्त है तो हो जाएगा परी प्लस आउट, पर्याप्त भी काफी इंपॉर्टेंट है। भू प्लस आदि, भू आदि। फिर स्वर्ग का हो जाएगा सु प्लस अर्घ, प्लस व्यर्थ का हो जाएगा वी प्लस अर्थ। दोस्तों एक चीज देखिएगा, इधर जितने मैंने लिखे सारे इंपॉर्टेंट लिखे, इसलिए हमने सारा संधि विच्छेद भी बगल में करके सब दिखा दिया, क्योंकि इधर जितने इंपॉर्टेंट है सारे व्यवहारिक में है और बार बार रिपीटेड है। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका है काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए सारे इधर लिख लिया है। आप भी चाहिएगा तो पूरा पूरा इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यह संधि का जितना क्वेश्चन बन सकता था मैंने सारे क्वेश्चन को लिया और एक एक क्रम से उसको डिस्कस किया। अब बात जो हमारी नेक्स्ट संधि रहेगी वो अयादी संधि होगी, स्वर संधि का अंतिम टॉपिक है, और उसके बाद हम लोग व्यंजन संधि की बात करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी थी तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।